दोस्तों इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। जौनपुर में रास्ते के लिए अधिवक्ता का मकान स्थगन आदेश के बावजूद ध्वस्त कराने का पूर्व सांसद हरिवंश सिंह पर आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि जौनपुर दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सिंह का ओलनगंज में मिश्रा भोजनालय के बगल स्थित दो मंजिला मकान दीवानी न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद पुलिस प्रशासन को मिलाकर गिरवाने का पूर्व सांसद हरिवंश सिंह पर आरोप लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद के पुत्र अधिवक्ता विनय सिंह ने बताया कि 29 मई 2021 की शाम हरिवंश सिंह अपने कुछ लोगों के साथ पुलिस प्रशासन की मदद से उनका दो मंजिला मकान JCB लगाकर गिरवा दिए। पीछे स्थित करोड़ों की जमीन के लिए रास्ते की मांग कर रहे थे। बताया गया कि दीवानी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, इसके बावजूद मकान ध्वस्त करा दिया। अभद्रता किए उच्च अधिकारियों से बात किया गया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में लगातार मकान ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। बताइए क्या मामला है? मामला सर, मैं विनय कुमार सिंह, सना राजन प्रसाद सिंह, मेरे पिताजी अधिवक्ता हैं, हम भी अधिवक्ता हैं दीवानी न्यायालय में, और हमारा दो मंजिला मकान ओलनगंज स्थिति है, जो कि स्थित है जो मिश्रा भोजनालय के बगल में है और बेनी राम के दुकान के भी बगल में है। और कल रात और हमारे पिताजी के नाम से यह दो मंजिला मकान रजिस्ट्री है और नगर पालिका में दर्ज है, जिसका नंबर अंकित है। और कल शाम को हरिवंश सिंह आए, हरिवंश सिंह पूर्व सांसद प्रतापगढ़ भाजपा अपना दल के आए लावा लश्कर के साथ। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे दोनों मंजिला मकान को ध्वस्तीकरण कर दिया और अभी तक करते जा रहे हैं। कल 29/5/2000 मैंने उच्च अधिकारियों से भी बात की, हमारी बात कहीं नहीं सुनी गई। कल मैं कोतवाली लगभग 11 बजे रात तक रहा और उनको एप्लीकेशन भी दिया और यह बताता भी रहा कि सर मेरे पिताजी के नाम से रजिस्ट्री है, दीवानी न्यायालय से स्टे है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं माने और प्रशासन खड़ा हाथ तोड़वा दिया। इनकी जमीन वमीन थी क्या पीछे रास्ते से कुछ? हाँ, इनकी इनकी पीछे करीब 4.5 बीघे जमीन है। रास्ते के लिए हमसे बोले, जो कि हम लोगों ने बोला कि भाई दीवानी न्यायालय से स्टे है, हम इस पे आपको रास्ता नहीं देंगे। इस पे नहीं माने वो? हाँ, इससे वो नहीं माने और कल शाम से काम है लगा और आज अभी तक काम चालू भी है। कल 29 मई को? ठीक हाँ, 29 मई 2021। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।